नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअल और आपके साथ मैं हूं रीना। क्यों है मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान? क्या है गरुड़ पुराण? आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सदगति प्रदान करने वाला माना जाता है, इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठार्थ देव भगवान विष्णु है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्व साधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीति सार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार रूप से निरूपण, आत्मज्ञान का विवेचन भी इसका मुख्य विषय है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का एक विशेष महत्व है। यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार यहाँ प्राप्त होता है जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति के उपायों तथा जीव की गति का विस्तृत वर्णन मिलता है। संभवतः गरुड़ पुराण की रचना अग्नि पुराण के बाद हुई है। इस पुराण की सामग्री वैसी नहीं है जैसा पुराण के लिए भारतीय साहित्य में वर्णित है। इस पुराण में वर्णित जानकारी गरुड़ ने विष्णु भगवान से और फिर कश्यप ऋषि को सुनाई। पहले भाग में विष्णु भक्ति की उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्राय गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए भिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृतांत है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है उसके बारे में सभी चीजों का अच्छे से विस्तार करते हैं। श्राद्ध और पितृ कर्म किस तरह से करने चाहिए, इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृ कर्म किस तरह से करने चाहिए तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के प्राद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गुण और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे थे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिया था उसी उपदेश का इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है। गरुड़ के माध्यम से ही भगवान विष्णु के श्रीमुख से मृत्यु के उपरांत के गुण तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए थे, इसलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा गया है। मुख्यतः वैष्णव पुराण है। इस पुराण को मुख्य गरुड़ विद्या भी कहा गया है। इस पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को प्रदान किया था। तत्पश्चात व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी को तथा सूत जी ने नैमिष नारायण में सौनकादि ऋषि मुनियों को प्रदान किया था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।